यूं तो एक से बढ़कर एक लेखक देखे हैं समय ने, लेकिन कहते हैं डॉक्टर राही मासूम रजा की विशालता की बात ही निराली है। ये ऐसा लेखक है जिसने कभी खुद समय को ही एक पात्र बना, उसी से एक प्राचीन भारतीय गाथा को सुना, उसे आधुनिक कर दिया, तो कभी एक नीम के पेड़ की जुबानी दो भाइयों की नफरत की कहानी जिसमें कुछ मोहब्बत के छींटे भी थे, साथ में जमींदारी में पिसते उनके मुलाजिम की दास्तां सुना दी। कभी इस लेखक ने गंगा को संबोधित करते हुए आधा गांव में कहा, गेंदले पानी की इस महान धारा को न जाने कितनी कहानियां याद होंगी। गाजीपुर को इसका ख्याल भी नहीं आता कि गंगा की पाठशाला में बैठकर अपने पुरखों की कहानियां सुने। राही साहब की ये निराली विशालता उनके हाई आईक्यू से उपजती या उनके खुले दिल की वजह से? वो अपने दिल की सुनते थे और जो दिल कहता था वो लोगों को बता देते थे। और यही हिदायत दी उन्होंने सबको। उम्र भर तूने जमाने का कहा माना है, उम्र भर तूने जमाने का कहा माना है, दिल की आवाज भी सुन, देख तो क्या कहता है। उनका जो नुक्ते नजर, जो पॉइंट ऑफ व्यू होता था, वो दुनिया से निराला और नया होता था। वो गंगा को अपनी दूसरी माँ मानते थे। वहां उन्होंने वसीयत की है कि मृत्यु के बाद उनको गंगा की गोदी में सुला दिया जाए। राही साहब का स्वतंत्र व्यक्तित्व इसमें भी झलकता कि वो अपनी नई नज्म पहले अपनी बहू पार्वती को सुनाते। जब भी वो कोई नई गजल लिखते थे तो सबसे पहले वो फोन करते थे और पार्वती से कहते थे, अमा खां पार्वती तुम आ जाओ। यानी राही साहब का ये शेर खुद उन पे खरा उतरता, मैं तुम्हारी मिसाल तो दे दूं मगर जाना, मैं तुम्हारी मिसाल तो दे दूं मगर जाना, जुल्म ये है कि बेमिसाल हो तुम। लेखन में भी और निजी जीवन में भी। किसी ने गुलाब का फूल दे दिया, उसकी फिल्म लिख दी। एक साहब की तो फिल्म उन्होंने दो बीड़े पान पे लिखी। जब सिटिंग पे आते थे बनारसी के यहाँ से खार में, दो बीड़े पान ले आते थे, उसको पूरी फिल्म लिख दी। राही साहब की पकड़ और सोच कितनी असीम है, ये पर्दे पर प्रकट हुआ बीआर फिल्म्स की महाभारत से। ये बात हुई थी कि एक मुस्लिम क्या लिखेगा महाभारत। मुझे अच्छा लगा जब डॉक्टर साहब ने सबका मुंह बंद कर दिया उसके बारे में। देश प्रेम के बारे में भी वो कितने गहरे थे। देश से बड़ा कोई नहीं होता पुत्र, न पिता न पुत्र न कोई प्रतिज्ञा। उन्होंने स्वयं भी इस गहरे देश प्रेम को जिया। फिल्म राइटर्स एसोसिएशन ने इमरजेंसी के फेवर में जमाने में और इंदिरा गांधी के की तारीफ करते हुए एक रेजोल्यूशन पास करना चाहा, तो उसमें राही साहब अकेली डिसेंटिंग वॉइस थे और वो जब नहीं वो माने और उन्हें पास किया तो वो वॉकआउट कर गए। तो राही साहब ने हमसे कहा कि वो रात मेरी लगभग जागते कटी और ये सोच के कि किस वक्त पुलिस मेरे दरवाजे पर नॉक कर रही होगी। वो फांसी के तख्ते पे खड़े होके सच बोलने वाले आदमी थे। महिला शक्तिकरण के लिए भी जो उन्होंने सवाल उठाए वो भी अन्याय को झिंझोड़कर जगाने वाले थे। यदि पत्नी पति की संपत्ति होती है तो जब मेरे पति अपने को हारे उसके साथ मुझे भी हार गए तो फिर मैं दांव पर कैसे लगी, और यदि पत्नी पति की संपत्ति नहीं तो मेरे पति मेरी आज्ञा लिए बिना मुझे दांव पर कैसे लगा सकते हैं। ये प्रश्न केवल द्रौपदी नहीं कर रही है, ये प्रश्न कर रही है नारी जाति। चाहे वो उनकी शख्सियत के पहलू थे या उनके लेखन के, उस सब में दिखता था तो यही कि उनके अंदर का प्याला पूरा प्रेम से भरा था और वही बाहर छलक छलक जाता था, कभी नॉवेल्स में, कभी फिल्म्स में, कभी टेलीविजन पे तो कभी उनकी शायरी में। ऐ सबा तू तो उधर से गुजरती होगी, ऐ सबा तू तो उधर से गुजरती होगी, उस गली में मेरे पैरों के निशान कैसे हैं? तो राही साहब, आपके कदमों के निशान हमारे प्रेरणा स्तोत्र हैं कि हम भी दिल की सच्चाई और सादगी से जिएं और लिखें प्रेम के रंगों में। बेबाक।